हाँ तो भाई, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ मेरे से तो बढ़िया ही होंगे, ठीक है ना? क्योंकि भाई गरीब आदमियों के हाल खराब ही रहते हैं, ठीक है? तो और बताओ क्या चल रहा है? तो भाई ये ब्लॉग बनाया है मैंने, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कहाँ रहता हूँ और कैसा मेरा घर है। और भाई घर तो मेरा है नहीं, खैर मैं रेंट पे रहता हूँ, पर मैं आपको दिखा दूँगा कि मैं कैसे रहता हूँ और क्या है। तो भाई ब्लॉग पे आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना और देखने के बाद वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है ना? शेयर करने से ये होगा कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने के लिए, तो आप ज़रूर कर देना। तो भाई चलते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको अपना होम टूर, गरीब का घर। तो भाई देख लेना। अब भाई क्या कह सकते हैं, गरीब गरीब कहते हैं तो गरीब हम भी कह देते हैं कि गरीब का घर। तो भाई चलते हैं, तो स्टार्ट जो है रास्ता यहाँ का, ये बाहर से आ जाते हैं। मैं आपने देखा होगा मेरे पिछले ब्लॉग में जो रास्ता है, ये इधर का रास्ता है, ठीक है? ये एंट्री गेट, अंदर को यहाँ से जाएंगे हम, ठीक है? और ये भाई बाइकें खड़ी हुई है, जिनके यहाँ हम रहते हैं उनकी बाइकें खड़ी हुई है, चार पांच बाइक खड़ी हुई है, ठीक है? हीरो होंडा की है, बुलेट है, एक स्कूटी खड़ी हुई है, एक पल्सर खड़ी हुई है और वहाँ पर हमारी चंपा खड़ी हुई है। तो भाई जैसे आ जाते हैं, हमारा सामान रखा हुआ है दुकान का। ये भाई हमारा चूल्हा बना हुआ है, इसमें हम रोटी बना देते हैं, रोटी बनाते हैं। और ये टीना जा रहा है ऊपर, जहाँ से मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था और जहाँ मैं बैठ के ब्लॉग बनाता हूँ, ये वहाँ जा रहा है, उसको हम कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है? और भाई एक साइकिल खड़ी हुई है, ये साइकिल 15 साल पुरानी है, पापा की है, इसलिए हमने अभी तक बेची नहीं है और आगे भी इसे बेचेंगे नहीं, ठीक है? बाकी बीच में कभी मजबूरी आई थी बेचने के लिए, लेकिन हमने बेची नहीं। और भाई यहाँ पर सामान रखा हुआ है हमारा, ये बोर्ड रखा हुआ है दुकान का, ये घर में रखा है, एक बोर्ड ऊपर लगा रखा है, ठीक है? पर फ़ोन कोई भी नहीं करता है। ये किचन है, मैं आपको जो है बैक कैमरा करके दिखा देता हूँ। और भाई यो है किचन, देख सकते हो किचन में सामान रखा हुआ है, पर खाना वाना बनाते नहीं है, खाना हम बाहर बनाते हैं। ये रखी है गैस और यहाँ रखा हुआ है मेरे औजार वगैरह, थोड़े बहुत सामान देख सकते हो, औजार रखे हैं यहाँ पर। और भाई अंदर चलते हैं, ठीक है? यहाँ बैठे हुए हैं पापा, हेलो करो। हेलो मम्मी, हेलो करो। जो कि सब ठीक रहो, कोरोना से बचो, बीमारी से बचो। हाँ, अपने घर में रहो, मास्क लगाओ। हाँ, तो भाई ये है अंदर गेट, अंदर जाएंगे। यहाँ भी मेरा थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है, कील वील वगैरह, मतलब जो भी सामान रहता है मेरे लाइन में काम आने वाला वो रखा हुआ है। और मैं और भाई यहाँ रखे हुए कपड़े, और भाई ये रखे हुए मेरे औजार देख सकते हो, ये कैमरून गोल्ड का कटर है, ठीक है? वैसे मार्बल कटर लिखा हुआ है, लेकिन मैं बोर्ड काटने के लिए इस्तेमाल कर लेता हूँ इसको। ये प्लेनर है, ये लकड़ी पर रंदा मारने के काम आता है, ये भी एक प्लेनर है, ये भी लकड़ी पर रंदा मारने काम आता है। ये अकारी का प्रोफेशनल टूल है, ये अकारी का प्रोफेशनल टूल डिजाइन में लकड़ी काटने के काम आता है, गोल वगैरह जैसी भी काटनी हो, ठीक है ना? तो भाई ये चीज़ है मेरे पास में। और यहाँ देख सकते हो ये फ्रिज है, यहाँ पर ऊपर थोड़े भगवान की फोटो लगी हुई है, छत देख सकते हो, छत ऐसी है, पहले ये छू जाती थी क्योंकि बारिश में, अब ये ठीक हो चुकी है इसलिए नहीं छूती है। और भाई ये खाट है, इस खाट पर मैं सोता हूँ, ठीक है? ये मेरे दादाजी की खाट है, नाना जी की खाट है, ये मेरे दी हुई, मतलब दहेज में आई हुई है, लेकिन सोता मैं हूँ इस पर अब, ठीक है? क्योंकि भाई को फैल के सोने की आदत है, इसलिए मैं अकेला सोता हूँ। और भाई यहाँ पे भगवान जी बैठे हुए हैं, रोज़ सुबह शाम पूजा करते हैं बुढ़े बुढ़िया कि हमारे घर में बहू आ जाए, पर अभी तक तो भगवान जी ने सुनी नहीं है इनकी, ठीक? वहाँ भगवान जी और भी हैं, सिद्धि वाले साईं बाबा जी, ठीक है? उनकी भी पूजा कर लेते हैं।
ये टीवी रखा हुआ है, ये टीवी जो है 10 साल से ऐसी के ऐसी रखा हुआ है, अभी तक इसको चला के देखा नहीं है, मतलब चलाने का शौक ही नहीं है, देखते ही नहीं हमारे घर में टीवी। ठीक, एक ये सिलाई मशीन रखी हुई है, सिलाई मशीन भी कभी कभार चला लेती है मम्मी, बाकी इसे भी नहीं चलाते हम। और भाई ये है ग्रीन स्क्रीन, यही खड़ा होकर मैं रात में वीडियो बनाता हूँ, अपनी रील वगैरह देख सकते हो। ये एक ट्यूबलाइट लगी हुई है, पूरी की पूरी ट्यूबलाइट लगा रखी है मैंने 4 फुट की, जिससे कि रोशनी आए फेस पर और फेस ग्लो करे। ठीक है, वो पंखा रखा हुआ है, पंखे को मैं चला लेता हूँ हवा आने के लिए, क्योंकि गर्मी लगती है यहाँ बैठ के। ये तुम्हारे भाई का ट्राईपोर्ड, ये रिंग लाइट, यहाँ पर लैपटॉप रखा हुआ है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है, और छोटे मोटे सामान वगैरह जो भी रखे हुए हैं देख सकते हो तुम। इधर मैंने अपना सामान रख रखा है, ठीक है, हेलमेट रखे हुए हैं भाई के पास में, 4 हेलमेट है, और देख सकते हो आप कैसा लग रहा है आपको। ये यहाँ पर इधर हमारे चार्जर रखे हुए हैं, सभी चीज़ के, हर चीज़ के चार्जर रखे हुए हैं। ठीक है, और भाई ये देख के बताना आपको ये कैसा लगा। हमने थोड़ी सी कलाकारी करी है, यहाँ पर हमने लीड लगा दी है, ये बल्ब जल रहे हैं, जब हम यहाँ बैठकर वीडियो बनाएंगे या लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे तो ये बल्ब ऐसे ही जलेंगे, आप देख सकते हैं मेरे को, मैं सामने से वीडियो बना रहा हूँ। तो ये यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपको, क्योंकि ब्लू कलर का शीशा है और मेरे पास शीशे बहुत सारे हैं, इसलिए मैंने ये यहाँ पर लगा दिया थोड़ा सा ग्रुप के लिए। तो आप मुझे बता सकते हैं, पीछे खड़ी हुई है ये अपने जिसके रखे हुए हैं, तो आप मुझे ऊपर रखे हुए हैं भाई, ये जन्माष्टमी जब आती है तो उसके लिए हमने झूले बना के रख रखे हैं एडवांस में, देख सकते हैं, अभी मैं उतार के दिखा नहीं सकता आपको, बहुत सारे झूले रखे हुए हैं, और किचन में देखे तो आपने छोटे छोटे बेड रखे होंगे, तो ये जन्माष्टमी पे ले जाते हैं बंदे बनवा के। और भाई हाँ, तो भाई कैसा लगा आपको हमारा घर? ठीक है, अपना नहीं है लेकिन अपना मानना चाहिए, जहाँ भी इंसान रहता है वो कहावत सुनी होगी कि कुत्ता जहाँ बैठता है उसे साफ करके बैठता है, लेकिन जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पे आसपास में आपको सफाई रखनी चाहिए। ठीक है, सफाई रखने से आप ही स्वस्थ रहोगे, बीमार नहीं पड़ोगे, सफाई में रहो। और भाई मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कर लेना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल ज़रूर कर लेना, आप रोज़ाना की न्यूज़ में देख ही रहे होगे कितनी बीमारी बढ़ती जा रही है। और भाई फिलहाल तो हम ज़्यादा बाहर जा नहीं रहे हैं, जब काम होता है जब ही जाता हूँ मैं बाहर, वैसे बिना फालतू के मैं नहीं घूमता बाहर। और आप मुझे बताना कि आपको मेरा घर कैसा लगा, ये छोटा सा होम टूर आपको कैसा लगा, देख सकते हो भाई ज़्यादा खास नहीं है, जैसा भी है आपको दिखा दिया है मैंने, कोई झूठ नहीं है, जितना मुझे सच बताना था उतना सच बता दिया है, पूरा ही बता दिया है, ऐसी बात नहीं है, देख सकते हो आप, ये अपना घर है भाई, आप बाहर देख सकते हो, मम्मी पापा बैठे हुए हैं बाहर, ठीक है, देख सकते हो। और भाई आपको जैसा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमें बताएं कि हमारा घर कैसा लगा आपको। और अगर आप चाहते हैं कि भाई अपग्रेड कर जाए, तो अपग्रेड करने के लिए तो भाई आपको अपने भाई का साथ देना पड़ेगा, जब भी भाई आगे बढ़ सकता है, क्योंकि भाई मेहनत करने में पीछे नहीं हट रहे हैं हम, मेहनत मैं करूँगा, जितनी मेहनत की जाएगी वीडियो बनाने में, ब्लॉग बनाने में, जहाँ भी मैं जाऊँगा ब्लॉग बना के दिखाऊँगा आपको। ठीक है, इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग ब्लॉग बना के दिखाऊँगा, अभी कहीं जाना नहीं हो रहा है, और ऊपर से अभी भाई जेब में पैसे भी नहीं है, क्योंकि कहीं जाना पड़ता है तो उसके लिए पैसे भी ज़रूरी है। ठीक है ना, तो पैसे भी आ जाएंगे तो भाई उस दिन हम जाएंगे। और भाई मैंने सोच रखा है कि मैं जिस दिन मेरे पास काम वाम नहीं होगा और भाई मेरे पास पैसे होंगे तो मैं 4-5 दिन के लिए हरिद्वार जाऊंगा, और हरिद्वार का आपको कम से कम 10 व्लॉग बना के दिखाऊंगा, तब आपको मज़ा आएगा और आपको भी ये लगेगा कि हाँ भाई भाई कितना मेहनत कर रहा है। ठीक है ना, तो भाई वीडियो को देखते रहना, रखा आपको भाई का साथ देना है, आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा। ठीक है ना, तो आगे के व्लॉग भी देखते रहना। ठीक है, ये भाई आगे हैं पानी लेके, ये हमें पानी पिलाते हैं, क्योंकि भाई इन्हीं की वजह से अभी तक हमें रुका हुआ था, क्योंकि मुझे पानी लेके जाना है,
ड्यूटी पे, कभी बाहर का पानी पीता ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ये पानी देते हैं तो पीते हैं, अगर ये नहीं आते हैं जिस दिन तो हम इनके वहीं जाते हैं पानी लेने के लिए, ठीक है। ये भी अच्छा काम कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, पैसे लेके सही, लेकिन लोगों को पानी पिला रहे हैं घर बैठ के, ठीक है। कोरोना से बचने का कर रखा है ना सिस्टम तुमने, मास्क वास्क तो लगा नहीं रखा तुमने, ठीक है। मास्क वास्क लगाओ, बेशक से तुम इसको लगा रहे हो ना, तो मास्क भी लगा के साथ में जब चला करो। मास्क भूल नहीं, ये मास्क भूलने वाली चीज़ नहीं है। तो भाई देखा आपने, आपको भी लोग कैसा लगा बताना जरूर कमेंट में, और आपको हमारा ये कैसा लगा तो बताना। और हाँ एक चीज़ और दिखा देता हूँ भाई, ये देख लो, ये टूटी पड़ी है, ठीक है, ऊपर देख सकते हो टीन पड़ी हुई है, ये टीन देख सकते हो क्या हाल हो रहा है टीन का। पर लेकिन कोई बात नहीं यार, ठीक है ना, हम खुश हैं। इंसान को जो जितना जिस टाइम पर मिल जाए ना, उतने में इंसान को खुश रहना चाहिए। ज़्यादा पाने की कोशिश करने के चक्कर में है ना, जो तुम्हारे पास है वो भी नहीं रहने का, इसलिए इंसान को हमेशा उतना ही सोचना चाहिए जितना वो है, ठीक है। माना के सपने हर कोई देखता है, ठीक है ना, पर पूरे भी हर किसी के नहीं होते हैं। सपने पूरे करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और आपका भाई तैयार है मेहनत करने के लिए, पर आप साथ देने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में मुझे बता देना। तो भाई आज का व्लॉग मैं समाप्त करता हूँ यहीं पर। पापा खड़े हैं यहाँ, पापा हेलो कर लो, हेलो हेलो। तो कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, बस बोलने की बात ये है कि जो ये बीमारी से थोड़ा बच के रहो। अच्छा जी। और भाई जो भी मैंने दिखाया है आपको, अपना रियल दिखाया है मैंने, कोई फेक नहीं दिखाया है, ठीक है। जैसे हम रहते हैं, जैसे हमारा रहना सहना है, मैंने आपको सारा दिखा दिया है। नहीं बोलते हम, ठीक है ना, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, तो नहीं बोलते, जैसे है वैसे ही है। रेंट पे रहते हैं, कोई बात नहीं, हमने अपना जगह ले रखी है, जगह ले रखी है हमने, अभी बनाई नहीं है, बनाने के लिए पैसे नहीं थे इसलिए हमने बनाई नहीं है। जब पैसे हो जाएंगे हम बना लेंगे, ठीक है ना, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। भाई यहाँ रह रहा है, खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। काम आप ऐसे ही चल रहे हैं? हाँ, कई साल हो गए काम मिल रहे हैं, बहुत मिल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई का घर जल्दी से बन जाए तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ बैठे हुए हैं, देख लो, काम हो तो बताओ कोई। ये मम्मी बैठी हुई है, मम्मी के देख सकते हो आप, पैर में जो है सूजे पड़े हैं, दोनों पैरों में पट्टी बांध रखी है। तो मम्मी भी बेचारी बहुत मेहनत करती है, ठीक है। तो भाई मम्मी पापा की मेहनत के लिए और हमारे होम टूर के लिए लाइक कर देना, मुझे आगे जा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो में मैंने बहुत बार बोल दिया कि लाइक कर दो, शेयर कर दो, मुझे शर्म आ गई बार बार बोलते कि लाइक कर दो, शेयर कर दो, कर देना यार जो भी हो, ठीक है ना। अपन चलते हैं अब अपनी काम पर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। जीना है, मैं दिखा देता हूँ आपको जीना, ऊपर जाके, ठीक है ना। अरे भाई यहीं बैठ के भाई वीडियो बनाता है, यहाँ रात को पापा सो रहे थे तो पापा को मिल रहे भूत, ठीक है। वहाँ लेटरिन बनी हुई है, देख सकते हो जीने की छत कितनी बढ़िया है, ठीक है ना, छत देख ही सकते हो आप। मैं आपको रोड दिखा देता हूँ, पापा जो बता रहे थे कि रोड चलता है हम यहाँ पर, और यहाँ पर एक्सीडेंट हुए थे, तो भाई देख सकते हो ये रोड है, वो देख सकते हो ये वही रोड है। और यहाँ पर भाई साहब बहुत एक्सीडेंट हुए हैं, 5-6 बंदे मरे हैं, ठीक है ना। एक बंदा तो भाई वहाँ से बाइक लेके आया था, और यहाँ से ट्रक जा रहा था बहुत ही स्पीड में, वो बंदा वहाँ से बाइक लेके आया और सीधा ट्रक के अंदर घुस गया और पिस गया वो, लेकिन बहुत दुख हुआ से देख के। हम वहाँ बैठते थे, वहाँ पर मेरी दुकान थी पहले, तो मैं रोज़ एक्सीडेंट देखता था, ठीक है भाई।